तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्लैक टी, सबसे पहले डालूंगी चीनी। तो यहाँ पे ब्लैक टी हो गई है रेडी। आजा पकड़ 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 अंदर से लाइट। तो गुड़न का पौधा कितना अच्छा है, एक ही फूल है पर कितना अच्छा है। खोल उड़ा दो ऊपर को, हवा में उड़ा दो। ओ बाप रे, पतंग उड़ गई। दोबारा उड़ाओ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिजाइनर्स आज का व्लॉग, एक नए ब्लॉग के साथ आप सभी का। तो अभी मुझे है मॉर्निंग एंड मॉर्निंग के 10 बजे हैं। तो अभी हम करें यहाँ पे नाश्ता। तो यहाँ पे शिवांश को मैंने उठा के नहला दिया है, खिला रही मैं खाना, क्योंकि उसको खाना खिलाने में बहुत टाइम लगता है। तो आज यहाँ पे बनाया नाश्ते में भिंडी एंड साथ में रोटी है, तो पहले इसको खिलाती हूँ, फिर उसके बाद मैं खाऊंगी। अभी नाश्ता पानी हो गया है एंड मैंने भी नहा लिया है। शिवांश तो नहा धो के नाश्ता करके नीचे चला गया है। चाची और के यहाँ मैं भी जाती हूँ वहाँ पे। एक्चुअली ना सब काम धाम करके वहाँ पे नीचे चले जाते हैं, बातचीत करते हैं आपस में ऐसी। तो फिर मैं भी नीचे जाती हूँ, थोड़ी देर वहाँ बैठते हैं। तो जो आगे ब्लॉग में होता रहेगा वो आपको दिखाते रहेंगे, तो ब्लॉग में बने रहिए आगे का ब्लॉग देखने के लिए। तो यहाँ पे शंभू अभी सो ही रखा है। सो गाइस, अभी होगी है इवनिंग एंड मॉर्निंग में शूट करने के बाद दिन में खाना खाया भूल गई, तो शूट भी करना था। दिन में हमने दाल चावल खाए थे, उसके बाद हम आराम कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा सो गए थे। मम्मी भी अभी मेरी जस्ट कथा में गई हुई है, यहाँ पे कथा हो रही है। तो अभी हम उठे हैं, बस अभी शाम हो गई है, पापा आ गए हैं, तो चाय बनाते हैं पापा के लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्लैक टी, सबसे पहले डालूंगी चीनी पत्ती। तो यहाँ पे ब्लैक टी हो गई है रेडी। पापा को ब्लैक टी पीनी थी, इसने मैंने पापा के लिए ब्लैक टी बनाई थी, और अब अपने लिए बनाई है यहाँ पे थोड़ी सी कॉफ़ी एंड साथ में बिस्किट मेरे पास CNC जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल। तो अभी हो गई है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, यानी 15 तारीख हो गई है आज, है 15 अगस्त। तो आज हमारा इंडिपेंडेंस डे हो गई, 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे आज हम। तो आप सभी को हमारे परिवार की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और कल मैं बिल्कुल भी व्लॉग शूट नहीं कर पाई, मैं बार बार भूल जा रही थी कि मुझे व्लॉग शूट करना, मन ही नहीं कर रहा था। मैं कह रही ना ऐसे टाइम में ना मेरा व्लॉगिंग करने का बिल्कुल मन नहीं, व्लॉगिंग क्या मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता कभी कभी। तो कल बिल्कुल भी व्लॉग बनाने का मन नहीं था, तो मैंने सोचा आज कंटिन्यू करते हैं उसी व्लॉग को। तो आज 15 अगस्त, अभी घर का काम वगैरह मम्मी ने झाड़ू पोछा लगा दिया है एंड कपड़ा वगैरह धुल रहे हैं, अभी मशीन लगी है। और शिवांश अभी छत पे गया है अपने नाना के साथ, आज उड़ाई जाएगी पतंग एंड इंडिपेंडेंस डे की। तो अभी मैं उसको नीचे लेके आती हूँ, पहले उसको नहला धुला देती हूँ, फिर नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर देखते हैं आगे आगे जो होता रहेगा। छत पे शायद पापा ने झंडा भी लगा दिया, अभी न्यू झंडा लगाया, तो चलते हैं पहले उसको लेके आते हैं। तो क्या फिर डोक गया है अंदर, ऊपर आ गया। आ जा पकड़ 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 है। शिवांश के लिए अपने मामा और मौसी के साथ कपड़ा गिरा। गुड़न का पौधा कितना अच्छा है, एक ही फूल है पर कितना अच्छा है। तो यहाँ पे झंडा भी लगा दिया है पापा और उन्हें सबके साथ पे लग गया झंडा, देखो तिरंगा लहराते हुए कितना अच्छा लगता था। अभी जो हवा भी है हल्की हल्की, तो इसीलिए उड़ भी रहा है, तो अच्छा लग रहा है ना। देखो पतंग अभी इतनी उड़ रही है आसमान में, क्योंकि आज थोड़ी हल्की फुल्की धूप भी है एंड सुबह सुबह कोई उड़ाता भी नहीं है थी पतंग। पहले उड़ाते थे काफ़ी लोग सुबह सुबह पतंग, लेकिन इस बार इतनी पतंग नहीं उड़ा रहे। मेरा भाई भी सामने घर बन रहा है, वहाँ जा रहा था पतंग उड़ाने के लिए,
और कभी चलते हैं, शाम को ही उड़ेगी वैसे पतंग। आज मौसम भी बारिश जैसा तो हो रहा है, हल्का हल्का काला काला और का है, तो अभी पतंग नहीं उड़ रही है, बाद में उड़ेगी। वैसे उड़ रही है, इक्का दुक्का वो दिख नहीं रही है धूप की वजह से, उस साइड ज़्यादा उड़ रही है, इस साइड तो पतंग इतनी उड़ नहीं रही है, तो शाम को ही उड़ेगी पतंगे, तभी व्यू भी अच्छा आता है, क्योंकि अभी धूप की वजह से दिखती भी नहीं है, बाद में दिखती भी है। तो मैं श्वांस को नहलाती हूँ, तो यहाँ पे शंभू ने नहा लिया है, शंभू को नहला दिया है हमने, तो अभी यहाँ पे शंभू खा रहा है जैम और ब्रेड। खा लो खा लो। सिर्फ जैम जैम खाना है, हैं? ना सिर्फ जैम जैम खा रहा, ब्रेड नहीं खा रहा, कह रहा ब्लू ही पहनाओ मुझे, ब्लू कलर के अलावा कोई कलर नहीं पहनना इस लड़के को, ब्लू कलर। तो ये है दोनों मौसी और बेटा, कि देखो मौसी ने भी पहन ली इसकी ग्रीन कलर की ड्रेस, तिरंगे के कलर पहना, उसने चक्र का कलर पहना, उसने वैसा कलर पहना। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे तो बोलो, बोला दीदी बोल, हाँ नहीं चाकू से किसी ने नहीं काटा, आप खाओ अपना जैम खाओ, पता नहीं आज सुबह से वो करने पे लगा हुआ है। मौसी खिलाएगी आपको, दे मौसी खिलाएगी, यस नहीं खा रहा। मम्मी यहाँ पे कर रही है पूजा, तो शंभू के लिए आई है छोटी सी पतंग, जो कि लाया पंकज उसके लिए, ले उड़ा दो ऊपर को, हवा में उड़ा दो, कर दो। ओ बाप रे पतंग उड़ गई, दोबारा उड़ाओ, ओ बाप रे उड़ गई पतंग उसकी, इधर देख ऊपर। यहाँ पे भी हम कर रहे हैं नाश्ता, नाश्ते में चाय बनी है, सामने बंद है, एंड यहाँ पे ब्रेड भी है। सो गाइस अभी काम वगैरह सारा हो गया है, नाना धोना भी हो गया है, तो अब बनाते हैं दिन का खाना। मम्मी तो एक्चुअली यहाँ पे कथा होती थी, तो आज कथा का एंड है, तो मम्मी भाग पे गई हुई है, बस एक घंटे की कथा और होनी थी आज, सास वो सुनने के लिए गई हुई है मम्मी, तो आज बनाना है कढ़ी चावल। कल रात भी बोल रही थी मैं मम्मी को, बट मम्मी ने बोला कल बनाएंगे, अभी रात को नहीं बनाना, तो अभी मम्मी तो वहाँ गई हुई है, मम्मी पानी में शायद टाइम लग जाएगा, तो मैं बनाती हूँ आज कढ़ी और चावल, मम्मी को साथ में पकौड़े वाली कढ़ी खिलाती हूँ, तो पहले तैयारी करते हैं उसकी जल्दी जल्दी, फिर मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने पकौड़ा बनाने के लिए तेल रख दिया है गर्म करने के लिए, और मैं बना रही हूँ प्याज पकौड़ा, तो सबसे पहले पकौड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे, फिर कढ़ी की तैयारी करेंगे। यहाँ पे मैंने पकौड़ों का बैटर बना लिया है, अब बस तेल गर्म हो जाएगा तो पकौड़े बना देंगे जल्दी जल्दी। यहाँ पे शंभू और आदिति खेल रहे हैं, तो यहाँ पे साथ ही साथ मैंने कढ़ी की तैयारी भी कर दी है, प्याज कट कर दिया, मिर्ची कट कर दी हरी, तेल हो गया गर्म, तो बनाते पकौड़े। तो यहाँ पे बस थोड़े से पकोड़े और बचे हैं ये बनने, बाकी यहाँ पे ये बन गए हैं, अब मैं इसी में घोल रेडी कर देती हूँ कढ़ी के लिए। तो यहाँ पे घोल भी मैंने रेडी कर दिया है कढ़ी के लिए,
मुझे कड़ी बनानी आती नहीं है, बस आज मैं ट्राई कर रही हूँ कैसी बनेगी। उसे अच्छी नहीं बनती कड़ी वैसे, हर बार रात में ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं क्या पता अच्छी बन जाए पकौड़े वाली कड़ी। तो जो मैंने घोल बनाया ये छाछ का बनाया है, दही का नहीं बनाया है। तो बस अब यहाँ पे कड़ी बन जाएगी, तो उसमें डालेंगे हम पकोड़े, इसे अच्छे से उबाल आने देंगे, फिर डालेंगे इसमें पकोड़े। मम्मी भी आ गई है कथा सुन के। क्या हुआ मम्मी? तो जो कथा हो रही थी वहाँ पे भंडारा भी मिल रहा है, तो यहाँ पे आलू की सब्जी आई है, साथ में हलवा है एंड पूरी लेके आई है मम्मी। खाओगे पूरी सब्जी? भंडारे जैसी ना पूरी घर पे नहीं बनती, पता नहीं क्यों, जैसे भंडारे की पूरी होती है ना ये टाइट टाइट ऐसी ना घर पे नहीं बनती, कितनी भी कोशिश कर लो, सब्जी तो एक बार को बन भी जाती है ऐसी सब्जी, और पूरी बनती सब्जी तो फिर भी बन जाती है, पर पूरी बिल्कुल नहीं बनती है वाली ऐसी जैसे ये भंडारे की पूरी टाइट टाइट, मुझे तो अच्छी लगती है। नम्मी 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 मस्त। लास्ट टाइम भंडारा हमने तब खाया था, मेरी जेठ की शादी थी, ज्योति के घर पे खाया था उसमें हमने, ज्योति के घर पे खा के गए थे हम उस दिन भंडारा, शादी में गए थे भंडारा खाने के बाद गए थे, उसके बाद से आज खाई मैं ये भंडारा। हर साल होता है, पिछली बार भी हुआ था उसी जगह पे, पिछली बार मैं गई थी दिव्या के साथ गई थी, ब्लॉग भी है मेरा उसमें, वहीं उसी जगह आज फिर भंडारा आ रहा है, मैं जा नहीं सकती इसलिए मैं गई नहीं, मम्मी ले आई। तो यहाँ पे कढ़ी चावल बन गया था, तो अभी हो गया है दिन का खाना पीना, तो अभी करते हैं थोड़ा थोड़ा आराम, मिलते हैं आपसे शाम को। गाइस अभी हो गई है शाम एंड शाम पे बच गए हैं 6, अब आंख खोली नींद पड़ गई थी, शिवांश तो अभी भी नहीं उठा है, इसे उठा रही हूँ, उठ ही नहीं रहा है। तो दिन में खाना पीना खा के सो गए थे एंड कढ़ी चावल सिर्फ पापा और मम्मी ने खाए, मैंने तो भंडारे की सब्जी और पूरी वगैरह खाई, मेरा पेट उसी से भर गया था, मैंने तो वो खाए भी नहीं, कढ़ी अभी बची हुई भी है तो उसको हम रात को खा लेंगे। अभी सबसे पहले तो मैं इसको उठाऊँ, नहीं तो ये रात को सोता नहीं है बंदा, फिर उसके बाद रात भर उछल कूद, कभी मामा के ऊपर, कभी नाना के ऊपर, कभी नानी के ऊपर, ऐसे ही करता रहेगा, तो इसलिए इसको उठा देते अब। आज आसमान में देखने एक भी पतंग नहीं उड़ रही है, एक भी पतंग नहीं, देखो लग भी नहीं रहा 15 अगस्त है। तो अभी हो गया रात का डिनर रेडी, शंबू के लिए बनाई है खिचड़ी मूंग दाल की, क्योंकि इसका थोड़ा पेट आज गड़बड़ चल रहा है शंबू का। यहाँ पे बनी है तोरी आलू की सब्जी, जो की मैं खाने वाली हूँ, पहले इसको खिलाती हूँ फिर मैं खाऊंगी। यहाँ पे लग गया है बिस्तरा, सोने की तैयारी हो गई है, तो अब वीडियो का एंड भी कर देते हैं, लड़का मुझसे फोन मांग रहा है, तो होप्स आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, बाय बोलो पहले बाय बोलो।